रोहिणी आचार्य का नाम आपने सुना ही होगा। लालू की बेटी है और लालू को किडनी डोनेट करने के बाद खासा चर्चा में रही। आज प्रसंग इस बात का है कि सारण से रोहिणी ने आज नॉमिनेशन किया है। आप सब जान रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप तक यह बात पहुंच गई होगी। लेकिन आज मैं उत्तर बिहार की 3 लोकसभा सीटों की बात करूंगा जो कि चर्चा में है, और वह 3 लोकसभा सीट है वैशाली, शिवहर और पूर्वी चंपारण। आज चर्चा का कारण यह है कि आज इस 3 संसदीय सीटों पे एनडीए के उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। 6ठे चरण में यहाँ वोटिंग होनी है, 25 तारीख को वोटिंग होगी। तो आज पहला दिन था और पहले दिन एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे 3 जगहों से 3 प्रत्याशी ने नामांकन किया। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। साथियों, आज एनडीए के 3 प्रत्याशी जो चर्चित हैं और 2 प्रत्याशी सांसद 2019 में चुने गए थे उस क्षेत्र से, उन्होंने आज नामांकन किया। तो चर्चा में हम आगे बढ़ाते हैं बात को, और सबसे पहले वैशाली संसदीय क्षेत्र की ही बात करते हैं। वैशाली संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे वीना देवी ने आज नामांकन किया। वीना देवी 2019 में चुनी गई थी। वीना देवी इस बार लोजपा रामविलास की पार्टी से चुनाव मैदान में है और पिंडी गठबंधन के तौर पे राजद के मुन्ना शुक्ला मैदान में उतरे हैं, हालांकि उन्होंने अभी नामांकन नहीं किया है। अब हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह ने आज नामांकन का पर्चा भरा है। राधा मोहन सिंह 2019 में यहां से चुने गए थे और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, पहले भी ये कृषि मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में। इनके मैदान में आने के बाद काफी चर्चाओं के बाद इंडी गठबंधन ने वहां से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है और यह वीआईपी पार्टी से वहां चुनाव मैदान में है। अब हम बात करते हैं शिवहर सीट की। शिवहर सीट भी काफी हाई प्रोफाइल सीट अब हो गया है, इस कारण क्योंकि वहां से जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं ऋतु जायसवाल भी खासा चर्चा में है। लेकिन आज लवली आनंद ने पर्चा दाखिल किया है। लवली आनंद जदयू से वहां की प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में हैं। इन 3 उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल करने के बाद अपने अपने जीत के दावे किए, अपनी अपनी बात कही, लेकिन पर्चा दाखिल करने के समय इन 3 उम्मीदवारों के चेहरे पे वो झलक रहा था। आगे भी इस तरह के चुनावी चर्चा में हम पर्चा की बात करेंगे, जब पर्चा दाखिल करेंगे और किस तरह से काफिले के साथ ये उम्मीदवार जाते हैं और अपनी बात जो है समर्थकों के साथ कहते हैं। 3 उम्मीदवार के पर्चा दाखिल होने के बाद इंडिया और के प्रत्याशी जो है खासकर अब क्या तैयारी करेंगे, क्योंकि इन 3 सीटों पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने अभी पर्चा दाखिल नहीं किया है। चुनाव के पर्चा दाखिल होने के बाद एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार सरकार में मंत्री के तौर पे भी और जो गठबंधन के दलीय नेता हैं उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से अपील की ये उम्मीदवार को विजयी घोषित करें। फिलहाल इतना ही, आगे भी चुनाव चर्चा में हम इस तरह के बातों को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।